तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फर्स्ट एपिसोड में। एपिसोड स्टार्ट होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल का ही नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल का कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो 1K टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आपके एपिसोड को। स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखा जाता है जिसके अंदर एक लड़की होती है जो कि कह रही होती है, पता है कि वो जो लड़की थी फोर्थ एपिसोड पे पहुंच गई है। उसके बाद कहती है मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा पर कैसे वो फोर्थ एपिसोड पर पहुँच गई। और उसके बाद दोस्त कहती है कि लगता है मुझे कि वो नेक्स्ट वीक में ही पहुँच गई थी। और तब उसकी दोस्त बोलती है तुम्हें पता ना हो पर बहुत सारे जो मेम्बर्स हैं वो फोर्थ लेवल तक पहुँच गए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि लड़की कहती है क्यों ना हम भी जो है अपने थर्ड लेवल के बॉस को हरा दें। उसके बाद ये जो होती है ड्रेस पहन लेती है और ये दोनों जो होते हैं गेम में एंटर हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं एक खतरनाक सा हमें सीन दिखाया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती है ये जो मॉन्स्टर है इसको तुम मेरे ऊपर छोड़ सकती हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो लड़की होती है आगे बढ़ती है। तभी हमें जो है मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं उनमें से एक लड़की होती है जो मैजिक का यूज़ करती है और मैजिक से बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं उनको और बुला लेती है। और फिर ये सारे जो मॉन्स्टर होते हैं उस बड़े मॉन्स्टर पे हमला कर देते हैं। और उसके बाद जो वहाँ बंदे खड़े होते हैं वो कहते हैं हमें तो बिल्कुल मज़ा भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने तो एडवेंचर को टच भी नहीं किया। उसके बाद देखते हैं ये उनको हरा देते हैं। और उसके बाद हमारा जो सीन होता है यहाँ पर चेंज हो जाता है। ये लोग हमें एक बहुत अच्छी सी जगह पर दिखाए जाते हैं। उसके बाद ये कह रहे होते हैं कि जगह कितनी अच्छी है और कितनी सुंदर है। और उसके बाद ये कहते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था जो लेवल 4 होगा वो इस तरह से दिखेगा। और फिर कहते हैं कि हमें जो है पहले अपने गार्डियन को ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद ये आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग कहते हैं क्यों ना हम लोग जो हैं एक साथ दो दो की टीम बना के आगे बढ़ें जिससे हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। और उनमें से एक लड़का कहता है ठीक है और हम वापस यहीं पे मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं ये लोग जो है इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके बाद ये आगे चल जाते हैं। और फिर देखते हैं कि जो होते हैं अपने अपने तरीके से इंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो वहाँ पर एक जगह पर खड़ी होती है। और उसके बाद वो सोचती है लगता कोई मॉन्स्टर नहीं है। तभी वहाँ पर एक पत्थर सा उसके ऊपर आता है पर वो लड़की जो होती है उस पत्थर से बच जाती है। और तभी वो कहती है कि जो एकदम से अचानक से हमला करने से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। और तभी वहाँ पे लड़की आगे बोलती है मुझे पता था तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला बस मैं तुम्हें जो है हाई कर रही थी। और उसके बाद ये कहती है क्या तुम ऐसा लड़ाई करना चाहती हो। और उसके बाद ये कहती है मैं तो गेस कर चुकी हूँ कि तुम जो अभी तक लेवल 4 पे भी नहीं पहुँची। और उसके बाद लड़की कहती है मैं तो अभी जो है प्लानिंग कर रही हूँ पहुँचने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो लड़कियाँ होती हैं ये तैयार होती हैं बैटल के लिए। उसके बाद ये यहाँ से टेलीपोर्ट होके लेवल 4 वाली जगह पे पहुँच जाती हैं जहाँ इनको बैटल करना होता है। तभी कहती हैं कि मैं सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे रात होगी। और उसके बाद देखते हैं वहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो खड़ी होती है। और तभी वो देखती है कि जो मिल है वो यहाँ से कहीं जा रही है। फिर बताता है जो लड़की है इसका नाम होता है मिल। और उसके बाद ये मिल जो आगे जाती है फिर वहाँ पर जाके ये टेलीपोर्ट हो जाती है। उसके बाद ये लड़की इसको देख रही होती है सोचती है क्या करूँ मैं क्या करूँ। अब इसके बाद ये भी आगे जाती है और वहाँ पर जाके ये भी जो होती है वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। और उसके बाद देखते हैं ये एक जगह पहुँच जाती है। तभी जो मिल होती है वहाँ पर कैट के हाथ खेल रही होती है। और उसके बाद वो काफ़ी खुश होती है। तभी इसको देख के काफ़ी डर जाती है। उसके बाद तभी ये इसके पास आ जाती है और ये भी इसके हाथ खेलने जाती है। और तभी जो लड़की इसको कहती है तुम जो काफ़ी कूल हो मिल। उसके बाद मिल कहती है हाँ पर मुझे इसको छुपा के रहना पड़ता है क्योंकि मैं एक गार्डियन मास्टर भी हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि लड़की कहती है ये किसी को पता नहीं है पर किसको प्रभाव पड़ता है अगर किसी को पता चले भी गया मुझे पता है तुम ज़्यादा तक इसको नहीं छुपा पाओगी। उसके बाद लड़की कहती है कि तुम मुझे जो है मिल कह सकती हो। और उसके बाद लड़की कहती है नहीं मैं तुम्हारा सीक्रेट है छुपा कर रखूँगी आज से किसी को भी पता नहीं चलने दूँगी। और उसके बाद देखते हैं ये जो होती है बाहर आ जाती है। और उसके बाद लड़की बोलती है कि तुम मेरे साथ कभी हंटिंग पे चलना। उसके बाद इसके दोस्त आती हैं कहती मिल तुम यहाँ पे हो हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। और ये कहते हैं कि तुम्हें हमें तो इन्फॉर्मेशन देती हो गाइडेंस देती हो तभी तो हमें कहीं आगे बढ़ना होता है और जो अनदर गाइड है वो भी तुम्हारा इंजॉय कर रहे हैं। बोलती ऑल राइट चलती हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं ये जो होती है चली जाती है। जो लड़की होती है यहाँ पर खड़ी होती है और उसके बाद ये इसको बाय कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सीन फिर से चेंज होता है। हमें वही लड़की दिखाई देती है जो बैटल कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की जो होती है दूसरी लड़की पर हमला कर देती है पर जो हम लड़की होती है वो भाग रही होती है और बच जाती है।
और फिर वो उसके ऊपर हमला करती है, उस लड़की के ऊपर। तभी वो जो लड़की होती है वहाँ पे आग से हमला कर देती है, और फिर इसके बाद वो लड़की होती है दूसरी वाली वो नीचे गिर जाती है, और फिर इसके बाद वो जो लड़की होती है वो बहुत बड़ी आग से हमला करती है, और फिर उसके बाद वो काफ़ी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि जो लड़की है वो असल में मर गई, पर तभी देखती है कि वो लड़की कहती है सॉरी, पर तुम्हारा जो सेलिब्रेशन था काफ़ी छोटे समय के लिए था, और उसके ऊपर हमला कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं फाइनली जो होते हैं वो फिर टेलीपोर्ट होके उसी जगह पे आ जाते हैं जिस जगह पे पहले थे, और उसके बाद ये कहती है मैं तुम्हें फिर से हरा दिया। और उसके बाद ये सुन के जो लड़की होती है काफ़ी गुस्सा हो जाती है, और यहाँ से फिर ये चली जाती है। पर जाते जाते ये बोलती है कि मैं एक दिन जरूर तुम्हें हरा दूँगी, और तभी ये लड़की यहाँ पर खड़ी होती है, इस कह रही होती है ये लड़की लड़ने में तो काफ़ी अच्छी है और ये टॉप की गाइडेंस भी है, पर मुझे हराने के लिए सिर्फ एक ही बंदा हरा सकता है, जो बंदा है ऑफिस के। यहाँ पर सीन जो होता है चेंज हो जाता है, और फिर हमें दोबारा से जो है वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि जो ये लेवल है काफ़ी बड़ा है। और मिस लड़का बोलता है कि हाँ ये लेवल इतना बड़ा है कि मैं अभी तक इसके सेंटर पर नहीं पहुँचा। तभी लड़की बोलती है कि हमें कुछ मटेरियल चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो ये लड़कियाँ होती हैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि हम जो गए थे तो हमें एक रिक्शा वाला मिला था जिस पर हम बैठ के काफ़ी दूर तक सफ़र करी थी, वो थोड़ा कॉस्टली था पर हमें चलना नहीं पड़ा। तभी ये लड़की बोलती है कि अभी हाल ही में जो है नया इवेंट चालू होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को जो इनको देख रही होती है, और तभी वो गेट बंद कर लेती है और वहाँ पे वही डॉल होती है, और एक इनको देख के कहती है जैसा लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गई। उसके बाद वो एक डॉल के गले में लेती है और कहती है मैं इनको छोड़ के तो नहीं जा सकती, मुझे इनको बाय करना है। पर वो कहती है अगर मैं इनको बाय करूँ तो मेरे पैसे जल्दी खत्म हो जाएंगे, लगता है मुझे ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ये लड़की होती है बहुत तेज़ी से भाग रही होती है, और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की पहुँच जाती है तलवार के पास, तलवार से वो हमला कर रही होती है, पर तभी जो लड़की होती है इसको डोच कर लेती है, और उसके बाद ये भी हमला कर देती है इसके ऊपर, और जो तलवार होती है उसकी जो पावर होती है वो पूरी तरह से डाउन हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं ये लड़की होती है जो अपना फाइनल अटैक करती है, उसके बाद जो तलवार होती है पूरी तरह से हार जाती है, और उसके बाद लड़की इस तलवार को उठा लेती है, और यहाँ पर सीन जो होता है हमारा चेंज हो जाता है। ये लड़की हमें एक जगह पर दिखाई जाती है जहाँ पर खड़ी होती है, जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आने वाले होते हैं। तभी जब अपना तलवार को निकालती है तो इसकी ड्रेस चेंज होती है, और ड्रेस चेंज हो जाती है तो ये देख के काफ़ी चौंक जाती है, और फिर वो कहती है लगता है मुझे इसी ड्रेस में लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक रोबोट आ जाता है, फिर जो लड़की होती है ये इसके ऊपर अपने फैसल पावर से हमला कर देती है, और थोड़ी देर में ही इसको हरा देती है। फिर इसके बाद वो इसको ख़त्म करने के लिए एक फाइनल अटैक करती है जिससे ये मॉन्स्टर होता है ख़त्म हो जाता है, पर जैसे ही ख़त्म कर देती है ये चेक करती है कि जो उसकी चेस्ट है वो यहाँ पे गायब हो चुकी है, जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है, कहती है कि ये क्या हुआ। और फिर हम देखते हैं हमें एक ड्रैगन दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि आज का इवेंट स्टार्ट होने वाला है, और आज जो है तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, और जो गिफ्ट हैं मैंने यहाँ पर छुपा रखे हैं। और इसके बाद एक काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है, और फिर इसके बाद ये लोग तय करते हैं कि हम लोग जो है टीम बना के जाएंगे, और मॉन्स्टर साथ ही कहता है कि इनके पास जो है टेलीपोर्टेशन की पावर भी है। तभी ये सब बंदे होते हैं टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जो लड़की होती है वो टेलीपोर्ट होती है एक जगह पर जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पे एक रोबोट लड़की भी आ जाती है जो इसके ऊपर हमला कर देती है, और उसके बाद देखते हैं कि जो लड़की होती है ये सारे मॉन्स्टर को भी मार देती है। हमें फिर एक लड़का दिखाया जाता है जो वहाँ पर खड़ा होता है, और वो कह रहा होता है कि तो छोटे मोटे मॉन्स्टर को मार के मुझे कोई पावर लगता नहीं मिलने वाली। तभी वो एक आवाज़ सुनता है कि यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ रहा है, और तभी जो ये मॉन्स्टर आता है और ये कहता है कि मैं जो हूँ मैपल हूँ, और फिर बताता है कि ये मैपल होती है, और तभी जो बैठ के बात कर रहे होते हैं, और फिर ये बोलता है कि क्यों तुम बाहर नहीं आ सकती यहाँ से क्या। तो ये बोलती है कि मुझे क्या बताओ उसको कि मुझे जो ये रोबोट चलाना आता नहीं है। ये बोलती है मैं कल बाहर आ जाऊँगी। उसके बाद ये बोलता है क्यों ना हम लोग टीम बना ले। तो बोलता है तुम और मैं, हाँ बोलता है हाँ हम दोनों, क्योंकि तुम्हारा पावर है वो काटने की वो काफ़ी अच्छी है फाइटी एबिलिटी। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये कहती है कि तुम तो जो हो काफ़ी हायर लेवल के प्लेयर हो और मैं जो हूँ काफ़ी स्मॉल लेवल की हूँ। फिर उसके बाद कहता है ठीक है चलो हम दोनों पेयर बना लेते हैं। उसके बाद ये दोनों पेयर बना लेते हैं, और तभी हम देखते हैं आगे कि जो रोबोट होते हैं ये कह रहे होते हैं ये तो बहुत बुरी बात है कि दोनों ने पेयर बना लिया, क्योंकि अभी दोनों सबको मार देंगे, कोई मॉन्स्टर इनको मार नहीं पाएगा। तभी में से एक रोड बोलता है लगता है हमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे। तभी दूसरा रोड बोलता है नहीं हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग देखते हैं आगे होता है क्या है।
तभी उनमें से एक रोबोट टेलीपोर्ट होता है वहाँ से और यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं मैपल और वो लड़का होता है आगे बढ़ रहे होते हैं और उसके रास्ते में जो भी आता है मैपल के रास्ते में उसको मार देती है। और तभी वो लड़का बोलता है फिर मेरे कुछ बचा ही नहीं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी जो होती हैं हनी भी आ जाती हैं इनके ऊपर हमला कर देती हैं। फिर लड़का बोलता है लगता है अब मेरी बारी है और लड़का सामान में कूद जाता है और इनको मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि जो मैपल है उसके ऊपर हनी भी गिर जाती है और वो हिल नहीं पाती। तभी जो लड़का आता है और कहता है कोई बात नहीं तुम रेस्ट करो मैं देख लेता हूँ। और उसके बाद ये सबसे अपना ख़तरनाक वाला हमला करता है जिसके बाद ये सारा एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं जो इनकी लेडी बॉस होती है वो बची होती है यानी बिग हनी भी अभी तक बची होती है। और फिर इसके बाद ये जो लड़का होता है ये इसके ऊपर भी हमला कर देता है। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है फाइट के बीच में। हमें एक मकड़ी दिखाई देती है जिसके ऊपर लड़की हमला कर रही होती है और उसको फिर मार देती है। और उसके बाद ये कहती है लगता है जो मुझे स्पाइडर की एबिलिटी अब मिल चुकी है। और उसके बाद हम देखते हैं ये लड़की होती है ये अपना बॉक्स उठा लेती है गिफ्ट बॉक्स और आगे बढ़ जाती है। और उसके बाद देखते हैं वहाँ पे हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो तलवार लेने के लिए गई होती है वहाँ पे खड़ी होती है। तो यहाँ पे एक लड़का आ जाता है और उसको देख के काफ़ी चौंक जाती है और कहती है अगर तुमने किसी बताया तो मैं तुम्हें मार डालूँगी। तभी लड़का नोटिस कर लेता है कि जो उसका चेस्ट वो गायब हो जाता है और फिर लड़की इसको देख के शर्मा जाती है। तभी यहाँ पे दो बंदे दिखाए जाते हैं जो असल में ओनी को ढूंढ रहे होते हैं यानी उसी लड़के को ढूंढ रहे होते हैं जो महफल के साथ होता है। तभी हमें एक बड़ा सा कछुआ दिखाया जाता है जिस पर पोनी और महफल बैठे होते हैं जो इनको दोनों को देख लेते हैं। और फिर वो नीचे आ जाते हैं। तभी महफल बोलती है तुम भूलना मत जो मैंने तुम्हें कहा था। उसके बाद ये आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो है सीन चेंज हो जाता है। ये सभी लोग जो है क्रिसमस की पार्टी कर रहे होते हैं। भी वहाँ पर जो पेन होता है वो कह रहा होता है अच्छा हुआ कि जो महफल हमें बुला लिया। उसके बाद ये कहते हैं कि हम सारे के साथ गिफ्ट खोलें और फिर अपना ये गिफ्ट खोल देते हैं। और तभी हम देखते हैं गिफ्ट में जो है इनको सेंटा ही कॉस्ट्यूम मिले होते हैं जिससे ये सारे सेंटा बन जाते हैं एकदम गिफ्ट खोलते ही। और जो महफल होती है उसको बनी का कॉस्ट्यूम मिला जाता है सबसे अलग लगती है। और तभी लड़कियाँ बोलती हैं तुम इसमें काफ़ी अच्छी लग रही हो और तुम्हें भी जो सबसे अलग लगना था तुम जो ग्रेट लग रही हो। और उसके बाद लड़की बोलती है सही में और फिर इनको थैंक यू बोल देती है। उसके बाद ये लोग जो होते हैं पार्टी इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो गाइस जो अपना एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया। मिलते हैं आप अगले एपिसोड में। जिसके लिए बाय बाय।